Hello everyone, myself Sarshad Sheikh. Welcome to my channel Sarshad Sheikh Recipes. वीडियो को पूरा एंड तक देखिए. रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें. और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वो साथ में बेल बटन प्रेस करें, जिससे आपको मेरे न्यू वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहेगी. आज आप ये वीडियो में देखेंगे कि मैंने जीरा मटर राइस एंड एग करी बनाने का सिंपल तरीका बताया है, जिससे कि आपके राइस परफेक्ट खिले खिले बनेंगे. चलो अभी हम जीरा मटर राइस बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं. आधा प्याज लिया है स्लाइस करके, आधा वाटी मटर लिया है, नमक स्वाद अनुसार, जीरा आधा चम्मच. यहाँ मैंने एक ग्लास वड़ा कोलम राइस लिया है. इसे हम अच्छे से वॉश कर लेंगे तीन पानी में और साइड में रख देंगे. मैंने एक टोप लिया है, मीडियम गैस पे रखा है. उसमें दो चम्मच तेल डालेंगे, आधा चम्मच जीरा डालेंगे और जीरा का कलर चेंज होते ही इसमें हम प्याज डालेंगे. इसे हम सॉटे कर लेंगे ट्रांसपेरेंट होने तक. गैस हम मीडियम फ्लेम पे ही रखेंगे. अभी हमारा प्याज ट्रांसपेरेंट हुआ है. अभी हम मटर डालेंगे और उसे भी अच्छे से सॉटे कर लेंगे. देखिए ये हमारा तड़का रेडी है. अभी जो राइस अभी वॉश करके लिया था उसमें एक और आधा ग्लास पानी डालेंगे और ये जो तड़का दिया हुआ मिक्सर है इसमें मिक्स करेंगे. इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है. अब हम इसे विसल लगा के ले लेंगे दो. इसी के साथ हम एग भी रखेंगे बॉईल करने के लिए. इसे भी दो विसल लगा लेंगे हम. हम दोनों को साथ में कुकर में रखेंगे. नीचे पहले राइस रखेंगे और ऊपर एग रखेंगे. यहाँ दो विसल होंगे तब तक हम एग ग्रेवी का मसाला तैयार कर लेते हैं. इधर मैंने दो मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं. मैंने इसे मोटा मोटा काट के रखा है. अब इसे हम जार में डालेंगे. अब इसमें हम मीडियम साइज़ का एक टमाटर डालेंगे चॉप किया हुआ और एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे. इसे हम ग्राइंड करके ले लेंगे, इसका एक पेस्ट बना लेंगे. देखिए यहाँ पूरी तरह पेस्ट नहीं बना है. इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के वापस से ग्राइंड कर लेंगे, अच्छी तरह पेस्ट बन जाएगा. देखिए अच्छी तरह पेस्ट बन चुका है. अभी हम इसे एक वाटी में निकाल लेंगे. अभी हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं एग ग्रेवी का. एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, जीरा पाउडर आधा चम्मच, दो चम्मच लाल मिर्ची, नमक स्वाद अनुसार, गरम मसाला आधा चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट एक चम्मच. अभी हम एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें तीन चम्मच ऑयल डालेंगे. अभी हमने जो पेस्ट बनाए थे ना प्याज टमाटर अदरक लहसुन का, वो इसमें डालेंगे और अच्छे से इसे भून कर ले लेंगे. इसे स्लो गैस पे रखेंगे हम ढक्कन डाल के और फिर दो मिनट में वापस हम चेक करेंगे इसे. अभी हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, नमक, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्च और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे. फ्लेम स्लो ही रखना है आपको. जब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे फिर इसे हम बंद कर 5 मिनट तक स्लो गैस पे पकाएंगे. जब तक मसाला पक रहा है हम तब तक एग को निकाल कर उसको छिलका साफ कर लेंगे. यहाँ पर मैंने एग का पानी चेंज किया है. पहले गर्म थे एग, अब मैंने इसमें सादा पानी मिक्स किया है. अब एग ठंडे हो चुके हैं. अब हम इसका छिलका निकालेंगे. इसके वजह से एग के छिलके एकदम आसानी से निकल जाते हैं.
देखिए आसानी से एग के छिलके निकल रहे हैं। देखिए मैंने सब एग के छिलके निकाल लिए हूँ। देखो मसाला तेल छोड़ने लग गया है। अब इस वक्त हम जो जार में मसाला लगा हुआ था उसमें पानी डालकर मिक्स कर लेंगे। उसे अच्छे से क्लीन करके इसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एग करी को हम ढक के 5 मिनट पका लेंगे और फिर देखिए मसाला तैयार है। अब इसमें एग डालेंगे और ढक कर 5 मिनट और पकाएंगे। एग करी को चेक करेंगे, पक गया है तो गैस को बंद कर देंगे। पक गया है। देखिए हमारा जीरा मटर राइस भी कितनी अच्छी तरह हुआ है। अभी हम इसे एक स्पून की मदद से अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे। देखो कितने खिले खिले राइस बने हुए हैं। अब हम इसे सर्व कर देंगे। देखिए हमारा एग करी तैयार है, जीरा मटर राइस तैयार है और इधर मैंने कुछ सैलेड भी रखे हुए हैं, टमाटो, कुकुम्बर, अनियन। अगर आपको ये रेसिपी इजी सिंपल लगी है तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना, इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। मेरा इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।